ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी मान लो इतना सुंदर वातावरण है, इस अच्छे वातावरण में बैठ करके भी मुझे नींद आ रही है। बाबा कहते हैं आँख खोल कर मुझे याद करो, और हम मुंह खोल के याद करते हैं। ऐसे वातावरण में, जबकि इतना सुंदर वातावरण है, हम योग करने के लिए बैठे हुए हैं, और उसमें भी यदि मेरा योग नहीं लग रहा है, अंतकाल में बाबा कहते हैं पांचों तत्व, पांचों विकार अपने फुल फोर्स में होंगे, मेरे देह का भी बंधन, कर्म बंधन, हिसाब किताब सब मेरे साथ होंगे, ऐसे में क्या मैं योग युक्त हो पाऊंगा? इसीलिए कहते हैं लंबे काल का अभ्यास चाहिए। जो जितने लंबे काल का अभ्यासी होगा, उतने ही वो अंत काल में बाबा की याद में सहज स्थित होगा, और जितने लंबे काल का अभ्यासी होगा, उतने ही लंबे काल की प्राप्ति भी होगी। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा बाकी सब चीज़ें ठीक है, बस ये एक छोटी सी कर्मेंद्री कभी कभी चलायमान हो जाती है, छोटी सी, कभी जिह्वा हल्की सी धोखा दे देती है, कभी आँखें इधर उधर चली जाती हैं, कभी कान से यहाँ वहाँ की बातें सुन लेते हैं, बस एक छोटी सी कर्मेंद्री, बाकी सब हमारी तरफ से ओके है, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहो बाबा, बस जैसे ही आप घंटी बजाएंगे फट से हम चल पड़े। तो बाबा को भी हम निश्चिंत करते रहते कि आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। हो पाएगा ऐसा? अभी की जो आदत है छोटी छोटी कर्मेंद्रियों का अपना प्रभाव, पास्ट का प्रभाव, किसी ना किसी पुराने स्वभाव संस्कार को जो लेके हम चलते हैं, चलेगा ये? अंत में छोड़ पाएंगे इसे? छोड़ पाएंगे? मनोहर दादी जी बहुत अच्छी हंसी की कहानी सुनाया करती थी कि एक माता जी थी, लंबे समय से ज्ञान में थी, कहती थी हर प्रकार से मैं आ सकती नहीं है, बाबा कहेंगे और मैं चल पड़ूंगी, लेकिन अंत समय में देह नहीं छोड़ पा रहे थे, सब प्रकार से सब युक्तियां कर ली लेकिन देह नहीं छोड़ पा रहे थे। तो उनके छोटे बेटे ने कहा कि हो सकता है मम्मी को ना पानी पूरी बहुत पसंद था, पानी पूरी खिला के देखते हैं मम्मी को। अब मम्मी के लिए पानी पूरी बनाया गया, अब पानी पूरी मम्मी के अंदर और मम्मी बाहर। तो मम्मी कहाँ अटकी हुई थी बताओ? अब इतने साल से यहाँ ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए यदि मैं यहाँ अटकी हुई हूँ तो क्या कहेंगे? इसीलिए कहा अच्छे लंबे काल का अभ्यास, कहीं भी चलाव नहीं। बाबा ने कहा यदि अभी चलाएंगे तो अंत में चिल्लाना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपने कर्म योग को बढ़ाना है, ये समय की मांग है। इसलिए हमें योग युक्त होने की जरूरत है, क्योंकि पास्ट के 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ अभी भी यदा कदा हमसे कुछ ना कुछ गलतियां खामियां हो जाती हैं, उन विकर्मों का बोझ। कब हम विकर्माजीत बनेंगे? कब विकर्मों के बोझ को अपने सिर के ऊपर से हटाएंगे?